हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने 2023 की तैयारी शुरू की। सांसद राजेंद्र गहलोत, चिंतन से निकलेगा अमृत राजेंद्र गहलोत। भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक चौटन स्थित वीरात्रा माता मंदिर में संपन्न हुई। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि उक्त बैठक में अपेक्षित लोगों ने भाग लेकर 2023 की तैयारियों को लेकर जिले का संपूर्ण खाका तैयार किया। बैठक में भाजपा मिशन 2023 को लेकर संगठन को मजबूत करने, पार्टी का सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी एवं जनाधार बढ़ाने को लेकर चिंतन किया गया। बाड़मेर संगठन प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, साथ में देश के बड़े मुद्दों पर आम जन को किस तरह समझाया जाए और उन्हें इन मुद्दों में किस तरह जोड़ा जाए, इस पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। गहलोत ने कार्यकर्ताओं को भाजपा का इतिहास बताया ताकि लोगों को इतिहास बताकर प्रेरित किया जा सके। उन्होंने ओबीसी युवा और महिला क्षेत्र में कार्य विस्तार करने को कहा। कांग्रेस की कमियों को सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के माध्यम से किस तरह से आम जन के समक्ष रखा जाए ताकि भाजपा पर विश्वास बढ़े। मिशन 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को वैचारिक प्रतिबद्धता का विकास करने एवं टीम भावना से कार्य करने पर जोर देने को कहा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आम जन तक पहुंचाने, बिजली के बिलों में लगातार बढ़ोतरी होने, व्यापारी किसान दलित सहित किसानों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों को लेकर भाजपा ने आम जन के बीच में जाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। चिंतन बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि आम जन दुखी एवं व्यथित है। ये सब लोग भाजपा की ओर आस लिए खड़े हैं। ऐसे समय में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आम जन के साथ खड़े होकर उनके दुख दर्द दूर करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7.5 साल के कामकाज के दौरान भविष्य की सोच और दूरदृष्टि के साथ कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान पिछले 2 साल से कोरोना प्रबंधन एवं 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ ही जनहित की गई योजनाएं शुरू की गई हैं। विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सोमकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बना है। मोदी सरकार कृषि और किसानों की समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की उपस्थिति में उनके सामने शिक्षकों द्वारा एक स्वर में स्थानांतरण एवं पोस्टिंग के काम पैसे लेकर करने की बात स्वीकार करना कांग्रेस सरकार की पोल खोलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने कोई नई बात नहीं की है। पिछले 3 साल में न केवल शिक्षा विभाग अपितु आमजन से जुड़े हर विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। भाजपा जिला अध्यक्ष शादुराम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही प्रशासनिक मामलों में पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। उन्होंने संपूर्ण जिले का संगठनात्मक ढांचा प्रदेश पदाधिकारियों को बताया। बीते समय में संपन्न हुए पंचायत तथा जिला परिषद के चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र किया। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि उक्त चिंतन बैठक में जिला संगठन मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सोमकांत शर्मा, सहप्रभारी नतमल पालीवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष शादुराम मेघवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, पूर्व विधायक तरुण कागा, पूर्व यूआईटी चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जिला महामंत्री बालाराम मूड एवं स्वरूप सिंह खारा, प्रधान जिला प्रवक्ता ललित बोथरा, रूपाराम सारन एवं मुकेश कोहली, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अनंत शर्मा, विशोई जिला उपाध्यक्ष गंगा विशन अग्रवाल, खुमान सिंह सोढ़ा, दशरथ मेघवाल, पुरखाराम मंजू, बाड़मेर नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंदक, जिला कोषाध्यक्ष मूल सिंह राजपुरोहित, सभी 7 मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित आमंत्रित लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।